Hi everyone, subscribe to my channel and click the bell icon button for new video updates. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी हाँ, वजीर आजम इमरान खान ने जो कहा वो कर दिखाया, जिस पर उन्हें खूब पजेराई हासिल हो रही है। हकूमत के रिकवरी यूनिट ने बैरून मुल्क से 530 मिलियन रुपए की रकम रिकवर करने में कामयाबी हासिल कर ली। हकूमत ने बैरून मुल्क से गैर कानूनी दौलत वापस लाने का वादा किया था, जिसमें बड़ी पेशे रिफत सामने आई है। वफाकी हकूमत का रिकवरी यूनिट 530 मिलियन रुपए की बड़ी रकम रिकवर करने में कामयाब हो गया, जबकि मजीद रिकवरियां भी की जा रही हैं। ये रकम गैर मुल्की जायदाद और गैर मुल्की अकाउंट्स की मद में रिकवर की गई, जबकि रिकवर की जाने वाली तमाम रकम कौमी खजाने में जमा करवा दी गई है। हकूमती जराए के मुताबिक सबसे बड़ी रिकवरी सिंगापुर में ऑफशोर अकाउंट की मद में की गई। बाज वजूहात की बिना पर सिंगापुर ऑफशोर अकाउंट की तफसीलात को खुफिया रखा जा रहा है। ये रकम अकाउंट में खुफिया तौर पर रखी गई थी। रिकवरी ऑफ आईएफ एफबीआर और दूसरे इदारों की मदद से की गई। चंद माह में 7 अरब रुपए से जायद की मजीद रिकवरी का इम्कान है। रिकवरी में तेजी लाने के मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के ताखीरी हरबों के बावजूद रिकवरी में तेजी के लिए कानूनी रुकावटें दूर करने पर काम जारी है। दूसरी जानिब हकूमत ने बैरून मुल्क से गैर कानूनी रकम की रिकवरियों के आगाज को अहम पेशे रिफत करार दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली से खिताब में बैरून मुल्क मौजूद गैर कानूनी रकम वापस लाने का ऐलान किया था, जिस पर बाद हजां एक टास्क फोर्स कायम की गई थी और वजीर आजम हाउस में यूनिट कायम किया गया था, जिसमें एफआईए और नैब के नुमाइंदे भी शामिल थे। Hi everyone, subscribe to my channel and click the bell icon button for new video updates.